हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी समृद्धि क्लासेस। आज हम तीव्रण धवजय इस पाठ का अभ्यास करेंगे। चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं, हिंदी अनुवाद कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर आपको साइंस की भी वीडियो सारी मिल जाएगी, एक्सरसाइज की और अभ्यास की, और उसके साथ ही आपको संस्कृत की मिल जाएगी। ठीक है, अभ्यास के अंदर फर्स्ट इनकी पहला प्रश्न है, शुद्ध कथनशय समक्षम आम, यानी कि जो शुद्ध कथन है उसके आगे आम लिखना है, हाँ, और अशुद्ध कथन में समक्ष न इति लिखित, और जो अशुद्ध कथन है उसके सामने आपको न लिखना है, मीन्स यानी कि नहीं। तो पहला है कै अस्माकम राष्ट्रीय से ध्वजे त्रय वर्णा संति, यानी कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में तीन रंग है, तो ये क्या है, सही है, तो ये इसमें क्या आएगा, आम। खै ध्वजे हरित वर्ण शांत्य प्रतीक है अस्थि, ध्वज में जो हरा रंग है वो शांति का प्रतीक है, तो ये क्या है, नहीं है, गलत है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आएगा, न। ध्वज केसर वर्ण सत्या सूचक अस्थि, यानी कि ध्वज के अंदर जो केसरिया रंग है वो पवित्रता का जो सूचक है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे तो ये क्या आएगा, आम। हाँ, चक्र त्रिशत अरा संति, यानी कि चक्कर के अंदर 30 तिलियां हैं, तो ये नहीं है, तो इसमें न। चक्रम प्रगते घोतम घोतकम, यानी कि चक्कर जो प्रगति का प्रतीक है, तो इसके अंदर क्या है, आम, यानी कि सही है ये सब। ठीक है, दूसरा प्रश्न आता है, दूसरे में हमें यहाँ पर विभक्ति वचन लिखना है कि कौन सी विभक्ति है और कौन सा यहाँ पर वचन है। ठीक है, यहाँ पर एक साइड में पदानी पद दिए हुए हैं, दूसरी तरफ यहाँ पे ब्लैंक खाली स्थान दिया हुआ है विभक्ति लिखने के लिए, और ये वचनम, यहाँ पे वचन लिखना है। पहले इसमें दिखा रखा है एग्जाम्पल के रूप में कि त्रियानाम, त्रियानाम षष्ठी विभक्ति है और बहुवचनम है, तो हमें बताना है समृद्धि, तो समृद्धि का आएगा सृष्टि विभक्ति और एक वचनम। ठीक है, वर्णानाम इसमें भी सृष्टि बहुवचनम, उत्साह से में भी सृष्टि और एक वचनम, नागरिके में तृतीय विभक्ति है और ये क्या है, बहुवचनम, सात्विकताया सृष्टि विभक्ति और एक वचनम, प्राणाम सृष्टि बहुवचनम, साभ्याम में आएगा सप्तमी और एक वचनम, इसके अंदर वचन है। ठीक है, अगला है हमारा तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न के अंदर एक पदेन उत्तर, कि एक पद के अंदर हमें इसमें उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है कै अस्माकाम ध्वजे कति वर्णा संति, कि हमारे ध्वज में कितने वर्ण है, तो इसमें हम आंसर में लिखेंगे अस्माकाम ध्वजे त्रय वर्णा संति। ठीक है, कि हमारे ध्वज में तीन रंग है, तो कति की जगह यहाँ पर हम कति ना लिख के और इसकी जगह हम लिख देंगे त्रय और वर्णा संति, और ये लाइन ऐसे कैसे हम लिख देंगे। ठीक है, खै त्रिवर्ण ध्वजे सत्वा सूचक कै वर्ण, कि जो त्रंगे ध्वज के अंदर जो सत्व की पवित्रता का क्या प्रतीक है। ठीक है, इसके क्या सूचक है या क्या कौन सूचक करता है, कौन सा रंग है, तो इसमें क्या आएगा, केसर वर्ण, कि केसरिया रंग, तो इसमें हम आंसर में लिखेंगे त्रिवर्ण ध्वजे सत्या सूचक है केसर वर्ण है। ठीक है, बस हमें यहाँ पे केसर वर्ण लिखना है, कै की जगह हम कै ना लिखे और इसमें लिख देंगे केसर वर्ण है। गै अशोक चक्रम कैसे घोतकम अस्ति, कि अशोक चक्र है वो किसका प्रतीक है, तो अशोक चक्रम प्रगते घोतकम अस्ति, यहाँ पे हम ये लिखेंगे प्रगते कैसे की जगह। ठीक है, इनकी प्रगते का प्रतीक है। घ त्रिवर्ण ध्वज कैसे प्रतीक, जो तिरंगा ध्वज है वो किसका प्रतीक है। ठीक है, तो इसके आंसर में हम लिखेंगे त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनता राष्ट्रीय गौरव से च प्रतीक। ठीक है, इनकी कैसे को जगह हम लिख देंगे स्वाधीनता राष्ट्रीय गौरव से च प्रतीक। अगला प्रश्न आता है हमारा चौथा, एक वाक्य उत्तर, कि एक वाक्य में हमें यहाँ पे उत्तर देना है। पहला प्रश्न है कै अस्माकम ध्वजे से श्वेत वर्ण कैसे सूचक अस्ति, यानी कि हमारे ध्वज में
जो सफेद रंग है वो किसका प्रतीक है या क्या सूचित करता है? तो इसमें आंसर में हम लिखेंगे अस्माकं ध्वजे श्वेत वर्णे सात्विकताय सूचिताय च सूचक अस्ति। इसमें भी हम कैसे की जगह क्या लिख देंगे, सात्विक, ये लाइन ऐसे कैसे लिखे, इसमें लिखेंगे सात्विकताय सूचिताय च सूचक अस्ति। ठीक है, ये हमारा क्या है। अगला क्या प्रश्न है, अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति, यानी कि अशोक स्तंभ कहाँ है। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया, कहाँ है, सारनाथे। तो अशोक स्तंभ है सारनाथे अस्ति, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, सारनाथे। ठीक है, आप वीडियो में अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप इसको जूम करके देख सकते हो वीडियो को। गै त्रिवर्ण ध्वज से उत्तोलनम कदा भवति, तो त्रिव का जो ध्वज है वो कब फहराया जाता है। ठीक है, इसके अंदर तो यहाँ पे आंसर में लिखेंगे त्रिवर्ण ध्वज उत्तोलन स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस से च भवति, तो यहाँ पे हम कदा की जगह स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस से च और लिखते हैं यहाँ पे भवति। ठीक है, घ अशोक चक्र कति आरा संति, अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं, तो उसमें कितनी तिलियां है, चतुर्विंशति, तो लिखेंगे अशोक चक्र चतुर्विंशति अरा संति, कति की जगह हम लिख देंगे चतुर्विंशति। ठीक है, ये हमारा प्रश्न चौथा हो गया। अब अगला प्रश्न आता है पांचवा, अधो लिखित वाक्येषु रेखा खंडित पदानि आद्रते प्रश्न निर्माणम कुरुते, यानि कि यहाँ पर जो वाक्य लिखा हुआ है इसको आपको प्रश्न वाचक में लिखना है। ठीक है, जो वाक्य है इसको प्रश्न वाचक बनाना है, तो जहाँ पे जो रेखा खंडित कर रखा है, जहाँ पे लाइन कर रखी है, अंडरलाइन करनी है, वहाँ पे आपको प्रश्नवाचक जो शब्द है वो लिखने हैं, जिससे प्रश्नवाचक बन जाएगा। तो पहला क्या है, अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज विश्व विजय भवेत, तो त्रिवर्ण ध्वज लिखेंगे हम कै, कि अस्माकं कै विश्व विजय भवेत। ठीक है, खै सवधर्मात् परमादम वयम् न कुर्याम, तो इसमें परमाद की जगह हम क्या लिखेंगे, किम। एतत् सर्वम् अस्माकं नेत्रनाम सद्बुद्धे सफलम, तो यहाँ पे आएगा कै। ठीक है, सद्बुद्धे की जगह लिखेंगे कह। घ त्रिशूणाम समक्ष विजय सुनिश्चित भवेत, तो त्रिशूणाम की जगह हम लिखेंगे कैश्य, कै और आदस है और यह। ठीक है, इसमें आ जाएगा कैसे। नेक्स्ट, अगला छठा आता है, उदाहरण अनुसार सुमिचित पदे रिक्त स्थानिक परिपूर्यत है, कि उदाहरण के अनुसार जो उदाहरण दिया हुआ है उसके अनुसार जो पद दिए हुए उसको रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है, इधर विभक्ति है, तो एकवचन द्विवचन बहुवचन, तो आपको ये शब्द और विभक्ति देख के बताने इसका एकवचनम आएगा या द्विवचनम। तो यहाँ पे पहला पट्टिका का पूरा दिया हुआ है अग्निशिखा, तो अग्निशिखा का द्विवचन में आएगा अग्निशिखायो। ठीक है, और बहुवचन में आएगा अग्निशिखायसु, इसमें अग्निशिखासु आ जाएगा। सभा का चतुर्थी विभक्ति है, तो इसमें सभाये, ठीक है, ये के ऊपर दो मात्रा आ जाएगी, यानी कि ए की मात्रा आएगी बड़ी ए की, तो सभाये, और सभाया सभाय। ठीक है, अहिंसा का अहिंसे और अहिंसा, पंचमी सफलता, इन सफलता की पंचमी विभक्ति है, तो सफलता का आएगा सफलत्या सफलत्याभाम और सफलताभ्य। सूचिका तृतीय विभक्ति है, तो सूची क्या है, सूचिकाभ्याम। ठीक है, सूचिकाभ्याम और सूचिकाभि, तो ये हमारा प्रश्न छठा था। उसके बाद प्रश्न सातवां आता है, समुचित मेलन कृत्वा लिखत, यानी कि जो यहाँ पर नीचे लिखा होगा उसका सही मिलान करना है, उचित मिलान करना है। ठीक है, तो एक साइड यहाँ पे कह दिया हुआ है, दूसरी तरफ यहाँ पे खै भाग दिया हुआ है, तो इसके अंदर कै वाले भाग में यहाँ पे नंबर डाल दिए 1 2 3 4 5, और एक साइड यहाँ पे, तो फर्स्ट केसर वर्ण, केसर वर्ण का आएगा शौर्य से त्याग से च सूचक, तो यहाँ पे शौर्य से त्याग से स सूचक केसर वर्ण, यानी कि फर्स्ट का आ जाएगा। सेकेंड हरित वर्ण है, हरित वर्ण
किसका प्रतीक है? सुष्माया उर्वरता चय सूचक, ठीक है। तो ये दूसरे का आ जाएगा अशोक चक्रम, अशोक चक्रम यानी प्रगति न्याय से चय पर्वत क्रम, ये तीसरे का क्या आएगा? अशोक चक्रम की प्रगति न्याय से का प्रतीक है। त्रिवर्ण ध्वज है, जो तिरंगा ध्वज है झंडा है वो स्वाधीनता है राष्ट्रीय गौरव से चय प्रतीक है, स्वाधीनता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, तो इसका ये चौथा आ जाएगा। पांचवा त्रिवर्ण ध्वज से सवीकरणम, ये जो तिरंगा ध्वज है वो कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 तमे वर्ष जातम, तो पांचवे का आ जाएगा 22 जुलाई वाला, ठीक है। तो ये हमारा अभ्यास इसमें पूरा हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।